नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर टाटा के इंट्रा V10 और मैं आज इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ और उसके प्राइस बताने वाला हूँ। तो ये दोस्तों मैं वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे सामने टाटा का इंट्रा V10 है और ये बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। V10 लोडिंग गाड़ी है हमारी, ये टाटा इंट्रा जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरीके की लोडिंग गाड़ी है। और यदि इसके मैं इसकी टायर की साइज़ बात करूं तो इसके टायर की साइज़ है 165R14 जो कि एक कार में ही आते हैं। कार से ऊंचे वाले मॉडल में ये टायर आ सकते हैं। और इस जगह से मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके की इसकी बॉडी है, देख सकते हैं, जो कि ये बॉडी हमारे पास बनने के लिए आई हुई है प्रकाश बॉडी वर्कशॉप में। और ये हमारे पास अभी बॉडी बनने के लिए आई हुई है टाटा इंट्रा। और इसी जगह में इसकी फीचर्स की बात करी जाए तो दोस्तों सामने से यदि मैं आपको दिखाऊं तो इसमें बहुत ही प्यारे जो इसकी हेडलाइट है, हेडलाइट बहुत ही हैवी हेडलाइट है जो कि डायरेक्टली किसी ट्रक की आंखों से लेकर और डायरेक्टली ज़मीन पर आ सकती है हेडलाइट, जिस तरीके की हेडलाइट है इसकी। और यदि इसी जगह में मैं बम्पर की बात करें तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का बम्पर दिया गया है, फाइबर वाला बम्पर है, ये प्लास्टिक तो नहीं है बट फाइबर है। और इसी में यह ग्रिल लगी हुई है टाटा के मोनो के साथ। और यदि इसी जगह में मैं अंदर से बात और दोस्तों इसी जगह में इसके इंडिकेटर की बात की जाए तो इसमें LED इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे से ये किस तरीके से है। तो पीछे से मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी टाटा की इंट्रा है। और यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इसका स्टेपनी टंगी हुई है। और इस साइड से अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर इसका एड ब्लू टैंक है, ये देख सकते हैं, जो कि अभी बड़े बड़े ट्रकों में आ रहे हैं एड ब्लू टैंक। तो अभी टाटा ने छोटी गाड़ी में भी चालू कर दिया है डीजल टैंक में, जिसमें कि प्रदूषण मुक्त हो जाए ये गाड़ी। और ये गाड़ी हमारी BS6 गाड़ी है, एक्सेट की बैटरी के साथ में ये हमारी गाड़ी है। और यदि इस जगह में बात करी जाए तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, तो ये हैगा अपना जो सामने फ्रंट में जो हमारा कांच होता है उसके ऊपर जो पानी फेंकने के लिए रहता है, उसके लिए यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया यहीं से, जिसमें कि सामने से ये हमारी गाड़ी, सामने का बोनट तो खुलता नहीं है इसका। और दोस्तों इस तरीके से हमारी टाटा इंट्रा। और यदि इसी जगह में बात की जाए तो इसमें टो के लिए टोचिंग के लिए इस तरीके का टोचिंग क्लैंप दिया गया है। और इसी जगह में इसके फीचर्स की बात करता हूँ अंदर से, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का इसमें ये गेट दिया गया है जिसका ये लॉक हैगा। लॉक आप देख सकते हैं इस तरीके बिल्कुल स्मूथ लॉक दिया गया है, जैसे कि पहले की अभी प्रेजेंट में कार में ही ऐसे ही आ रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का। और मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा के मोनो के साथ में रूफ दिया गया है। और यदि मैं इस साइड से आपको दिखा दूँ इसमें गेट में, तो यहाँ पर आप पानी के लिए बोतल रख सकते हैं। और ये है हमारे कांच चढ़ाने के लिए, इस साइड से आप सीधे गाड़ी का गेट खोल सकते हैं। और ये है लॉक, यहीं पर एक लॉक दिया है, जैसे कि अभी बोलेरो या टाटा हर गाड़ी में दे रहा है, और इस तरीके से पकड़ने के लिए दिया गया है। और यदि मैं अंदर से बात करूं इस गाड़ी की, तो अंदर से आप देख सकते हैं इस जगह में डबल सीट दी गई है, ड्राइविंग सीट के साथ में डबल सीट दी गई है। और यहाँ पर है इसका हैंड ब्रेक। और यदि मैं यहाँ से आकर दिखा दूँ तो ये दिए गए हैं इसके गेयर, जो कि महिंद्रा अल्फा आया था जो, और महिंद्रा का जो अभी लेटेस्ट लोडिंग ट्रक आया हुआ है उसके जैसे बिल्कुल गियर दे दिए गए हैं। गियर पहले आते थे यहाँ पर इस जगह में आते थे, बिल्कुल स्टैंड गियर आते थे, लेकिन इसके गियर दिए गए हैं बिल्कुल सामने। और इस तरीके से इसका डैशबोर्ड हैगा, देख सकते हैं इस तरह का डैशबोर्ड है। ये टाटा का मोनो के साथ में स्टीयरिंग दी गई, बिल्कुल छोटी सी स्टीयरिंग दी गई है, बट इसमें ब्लोवर तो नहीं दिया दोस्तों। ब्लोवर जो होता है हमारा पंखा फैन, वो तो नहीं दिया गया है। बट सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने इस तरीके से साइड ग्लास दिया गया है, यहाँ पर एक बल्ब दिया गया है,
जो कि अभी हमारी बैटरी कट हुई है क्योंकि हम अपनी वेल्डिंग का काम करवा रहे हैं। और पीछे से यदि मैं दिखाऊं तो पीछे इस तरीके से कांच दिया गया जिससे कि आप पीछे का पूरा देख सकते हैं। सामने की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर डिग्गी दी गई है और यहाँ पर आप कुछ भी पानी की बोतल या कोई पाना वाना भी रख सकते हैं। और यदि मीटर की बात करें तो उसमें दोस्तों डिजिटल मीटर दिया गया है, बट मेरा अभी क्या है बैटरी कट करी गई है क्योंकि हमारी गाड़ी अभी बॉडी बनने में लगी हुई है, इस चक्कर में बैटरी को कट करके दिया है। चाबी तो इसके साथ में है बट हम अभी आपको डैशबोर्ड नहीं दिखा सकते, बाकी डिजिटल मीटर दिया गया है। और यहाँ पर यदि बात करी जाए तो यहाँ पर आपका बल्ब को ऊँचे नीचे करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर यदि मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर पकड़ के उतरने, और दोस्तों इसी जगह में इसके प्राइस की बात की जाए तो 5.5 लाख रुपए से इसकी प्राइस स्टार्ट है और समथिंग 7 लाख रुपए तक में इसमें बड़े बड़े मॉडल मिल सकते हैं आपको। तो ये रही हमारी टाटा की इंट्रा और इसके बाद मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को। भारत माता की जय दोस्तों।